So a very warm good afternoon to all of you and welcome to this class of political science. So I hope ki jo humne last lecture mein padha tha, in the last lecture we studied about the behavioral approach, wo aapko samajh aaya. To usi ko continue karte hue jo aaj jis topic pe humne baat karni hai, that will be a system approach. To jaise hum modern approaches to the political science, unko jo modern approaches hain उसमें जो दो मेन अप्रोचेस हैं, बिहेवियरलिज्म एंड सिस्टम अप्रोच, यही हमने पढ़नी है. तो आज हम बात करेंगे सिस्टम अप्रोच के ऊपर. तो सिस्टम अप्रोच में हम आज के टॉपिक में बेसिकली ये पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कि व्हाट इज दिस सिस्टम. और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि सिस्टम अप्रोच एज गिवन बाय डेविड ईस्टन. ओके, फिर उसके बाद उससे पहले उसके बीच में हम ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज द पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक, सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, देन सिस्टम अप्रोच, एंड फाइनली वी विल टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द अप्रोच. ओके, लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच. देखो, जब से हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पे जब हमने पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन भी किया था, तो वहां पे हमने ये वर्ड यूज किया था, पॉलिटिकल सिस्टम. ओके, तो उस टाइम पे हमने पॉलिटिकल सिस्टम के एनालिसिस के ऊपर हम नहीं गए थे कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है. तो ये जो ये अप्रोच है, स्पेशली इन द मिड 1960s इट बिकेम वेरी मच प्रेवेलेंट टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस. और इस अप्रोच की ग्रेटर रेलेवेंस क्या है कि कैसे अलग अलग जो सिस्टम्स हैं वो फंक्शन करते हैं. ठीक, बिकॉज वी हैव अ पॉलिटिकल सिस्टम, वी हैव अ सोशल सिस्टम, वी हैव अ इकोनॉमिक सिस्टम. ओके, हाउ ए सिस्टम बेसिकली वर्क्स, ओके, इसी बात के ऊपर हम ये बात करेंगे जो आज का टॉपिक है. तो एक्चुअली मैं पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए सिस्टम. तो जो सिस्टम का एक सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि वेल कनेक्टेड और इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. ओके, जैसे वी हैव ए टीम, क्रिकेट टीम और एक फुटबॉल टीम, तो उनमें सभी जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. चाहे आप क्रिकेट की बात करो, जो बैट्समैन है, जो बॉलर्स हैं, जब तक सारे इकट्ठे और हम ये बोल सकते हैं कि सारे मिलके जब तक वर्क नहीं करेंगे, तब तक उनका जो पूरा सिस्टम होगा वो सही से वर्क नहीं करेगा. ओके, तो जो सिस्टम है वो बेसिकली, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम, वी कैन से दैट सिस्टम मींस इट्स ए कॉम्प्लेक्स होल, कॉम्प्लेक्स होल एंड सेट ऑफ कनेक्टेड थिंग्स, सेट ऑफ कनेक्टेड थिंग्स. ठीक है, अब जो ये सिस्टम, सिस्टम का थोड़ा समझ आया कि सिस्टम होता क्या है. अब ये जो ये सिस्टम अप्रोच है ना, जो हम पॉलिटिकल साइंस में है, ये सबसे पहले ना फिजिकल साइंसेस में थी. ये इट केम फ्रॉम द बायोलॉजी, फ्रॉम बायोलॉजी इट केम टू सोशियोलॉजी, फ्रॉम सोशियोलॉजी टू एंथ्रोपोलॉजी. ठीक, फिर उसके बाद इन द 1960s इट वाज डेविड ईस्टन टू यूज दिस अप्रोच टू मेक ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल फिनोमेनास. ओके, यहां तक समझ आया थोड़ा कि ये सिस्टम क्या है. अब सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम. तो पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आपको याद होगी, जब हमने डेविड ईस्टन की पॉलिटिक्स की डेफिनेशन भी किया था, वहां पर उसने क्या बोला था कि पॉलिटिक्स इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज. ओके, सो दैट एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, सो अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटिकल सिस्टम इज द अथॉरिटेटिव एंड बाइंडिंग एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, बाइंडिंग एलोकेशन of values and how the values are being implemented and how they are being allocated. Okay, अब यहां पे ये क्या समझे, क्या कह रहा है कि political system एक ऐसा interaction of parts है जहां पे जो authority है वो किस तरीके से जो different resources है उनको allocate करती है. ठीक है, समझा इस बात की. तो बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम यहां पे क्या समझा रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स है
जिससे कि जो सेट वैल्यूज है ठीक है वो एलोकेट होती है। ओके ये जो सेट एलोकेट ऑफ एलोकेशन ऑफ वैल्यूज है ये जब हम आगे इसकी डेफिनेशन को और अच्छे से समझेंगे तो इट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब इसके बाद वी हैव एन बिसाइड्स एल्मर्ट बिसाइड्स डेविडिस्टन वी हैव अनदर पॉलिटिकल थिंकर हिज नेम इज एल्मर्ट एल्मर्ट इज ऑल्सो ये भी एक ऐसा थिंकर है जिसने सिस्टम अप्रोच में एक बड़ा ही हम ये बोल सकते हैं कि एक उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है टू दिस अप्रोच। तो एल्मर्ट यहाँ पे क्या है ही गेव थ्री सेट ऑफ वेरिएबल्स जिसमें से एक होता है कॉम्प्रीहेंसिव कॉम्प्रीहेंसिव इंटरडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस एंड बाउंड्रीज एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। अब ये क्या चीज है देखो एल्मर्ट लाइक डेविडिस्टन वी हैव अनदर पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसने जब पॉलिटिकल सिस्टम को समझाया है ना कि व्हाट इज द सिस्टम इसने एक बोला कि सिस्टम इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मींस ऑल इंक्लूसिव कि जो अलग अलग पार्ट्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं ना वो सारे वेल कनेक्टेड होंगे और जो जो सारे होंगे दैट विल बी इंक्लूडेड दैट्स व्हाट मेक्स विल मेक सिस्टम। इसके अलावा जो जिन पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं ना तो दैट पार्ट विल बी इंटरडिपेंडेंट आल्सो। इंटरडिपेंडेंट का मतलब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना क्रिकेट टीम की या फुटबॉल टीम की सारे जो प्लेयर्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ठीक है। सो दैट इज व्हाट मेक्स अ सिस्टम इज इंटरडिपेंडेंस एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे अगर एक पॉलिटिकल सिस्टम है या इकोनॉमिक सिस्टम है या सोशल सिस्टम है इन सब की एक दायरा होता है इनका ठीक है उसी में ये वर्क करते हैं। ओके सो द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज थ्री फीचर्स अकॉर्डिंग टू एल्मर्ट एक्सप्लेन्स द पॉलिटिकल सिस्टम। समझाया थोड़ा ओके अब इसके बाद हम इसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर we come to the system approach as explained by Davidson. देखो Davidson ने ना इस अप्रोच को समझाने के लिए एक सिंपल सी डायग्राम दी है ठीक है। तो वो अगर आपको हम ये बोल सकेंगे कि फ्लो चार्ट अगर आपको समझ आ जाएगा ना तो आपको जो सिस्टम अप्रोच है उसका भी पता लग जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा कि जो सिस्टम अप्रोच हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल वर्ड में उसका क्या रेलेवेंस है ठीक है। मतलब कि जो उसकी प्रैक्टिस कहां पे होती है ठीक। पोस्ट मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म में आपको चीज बोला था ना कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिस का पता होना बड़ा जरूरी है और थ्योरी तब तक रेलेवेंट नहीं है जब तक आपको ये नहीं पता कि थ्योरी की बेसिकली प्रैक्टिस कहां पे है ठीक। अब यहां पे जो सिस्टम अप्रोच में अगर आपको एग्जाम में भी आए तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम दिस फ्लो चार्ट ठीक। तो इसमें क्या है वी हैव डिमांड ठीक ये मैं आपको समझाता हूं पूरा पहले मैं बना लेता हूं प्लस सपोर्ट ठीक है। और डिमांड और सपोर्ट क्या है दिस इज इनपुट ठीक। और डिमांड और सपोर्ट इट ब्रिंग्स It goes into the political system, ठीक? And it comes out in the form of decisions and policies. और ये जो decisions and policies है ना, इसको हम ये बोल सकते हैं authoritative values. पॉलिटिकल सिस्टम है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी चेंजेस आती है पॉलिटिकल सिस्टम में ठीक है दैट कन्वर्ज हियर ठीक है। Then we have demand plus policies और demand plus policies it again goes
इनटू द फीडबैक, ठीक है, जिसको फीडबैक चैनल भी बोलते हैं एंड फीडबैक लूप भी बोलते हैं, ठीक है। और ये अगेन ये फ्लो करता है टू डिमांड एंड सपोर्ट, ओके। और ये जो ये पूरा एनवायरमेंट है ना इनपुट का, डिमांड एंड सपोर्ट का, इसको हम बोलते हैं इंट्रा सोसाइटल एनवायरमेंट एंड एक्स्ट्रा सोसाइटल एनवायरमेंट। अब ये जो ये डायग्राम बन गया आपके सामने, दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ सिस्टम अप्रोच, ओके। अब आपको मैं समझाऊंगा कि इसमें है क्या। देखो ये डायग्राम है ना, देखो अगर हम किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, दैट विल बी इजीियर। अगर हम किसी भी सोसाइटी में देखें ना, किसी भी सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम का बेसिक मोटिव क्या होता है, उसका मोटिव ये होता है कि जो लोगों की नीड्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो फुलफिल हो, ओके। सो दैट इज ऑल्सो द बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो। लेकिन नीड्स और रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। अब नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स का बहुत ज्यादा होने का क्या मतलब है कि अगर आप अपने गांव की ही बात करो, अगर आप अपने जहां भी आप रहते हो वहां भी आपको रोड्स भी चाहिए, हॉस्पिटल्स भी चाहिए, स्कूल्स भी चाहिए, ठीक है, सारी मॉडर्न फैसिलिटीज भी चाहिए, कॉलेजेस भी चाहिए, लेकिन क्या वो सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो पाती हैं? नहीं, सारी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, ठीक। तो ये जो ये डिमांड एंड सपोर्ट की पूरी गेम है ना कि हु विल गेट व्हाट, ठीक। जैसे हेरोल्ड लैसवेल की डेफिनेशन है, पॉलिटिक्स इज अबाउट हु विल गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ, ठीक। तो उसको जो एक्सप्लेन करता है दैट विल बी एक्सप्लेन्ड विद दिस सिस्टम अप्रोच। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डिमांड जो है ना, डिमांड इज लाइक ए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब जैसे आप ना एक फैक्ट्री के साथ इसको ना कंपैरिजन कर सकते हो। एक फैक्ट्री में वी हैव रॉ मटेरियल, वी हैव मशीन, ठीक, देन वी हैव आउटपुट, ठीक। तो ये जो डिमांड है ना, इट इज लाइक ए रॉ मटेरियल। तो डिमांड्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन सारी जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं हो पाते, ठीक। वही डिमांड फुलफिल होगी जिसके पीछे जितनी ज्यादा सपोर्ट होगी, ठीक है। तो डिमांड विल बी लाइक ए रॉ मटेरियल एंड सपोर्ट विल बी लाइक ए फ्यूल, ठीक। सपोर्ट विल बी लाइक ए फ्यूल, जितना ज्यादा फ्यूल होगा उतनी ज्यादा उस रॉ मटेरियल का, अब ये बोल सकते हैं कि वो मशीन में प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, ओके। सो दिस डिमांड एंड सपोर्ट, तो ये जो डिमांड एंड सपोर्ट है ये दोनों मिलके इट गोज इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम हम ये बोल सकते हैं कि जैसे एक फैक्ट्री में एक मशीन है जैसे, ठीक। तो पॉलिटिकल सिस्टम में जाते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम में डिपेंड करता है कि किसी डिमांड के पीछे सपोर्ट कितनी है, ठीक है। तो वो डिमांड एंड सपोर्ट इट गोज इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इट लीड्स टू कन्वर्जन, ठीक है। द कन्वर्जन का मतलब क्या होगा कि जो जो रॉ मटेरियल है ना दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, कि जो ये डिमांड है दैट विल बी फुलफिल्ड, ठीक। तो जो वो डिमांड जब वो फुलफिल होती है इट गोज कम्स आउट, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ डिसीजंस एंड पॉलिसीज, और इसको क्या बोलते हैं आउटपुट, क्या बोलते हैं आउटपुट, ठीक। इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ डिसीजंस एंड पॉलिसीज। देखो यहां पे जो हम ये बोल रहे हैं अथॉरिटेटिव वैल्यू, इसका मतलब कि जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, ठीक है, अपने लेवल पे जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं, ठीक, दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ डिसीजंस एंड पॉलिसी। जितनी भी आपकी हमारी पॉलिसीज बनती हैं, स्कीम्स बनती हैं, वेलफेयर मैकेनिज्म्स जो गवर्नमेंट अलॉट करती है, जैसे अभी हमारे पास बजट सेशन है, तो बजट सेशन में किस स्टेट को या किस एरिया को क्या चीजें मिलेंगी, that is being decided here in the political system and comes in the, out in the form of decisions and policies. लेकिन जब decisions and policies लिए जाते हैं, फिर उसके बाद उन decisions and policies का analysis किया जाता है कि क्या जो decisions लिए गए या जो policies frame की गई क्या वो सही भी है या नहीं है, ठीक है। तो वो जो decision policies that comes out in the form of feedback, ठीक है। तो feedback basically क्या है, फीडबैक इज बेसिकली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन,
इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, और ये कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, इट हैपेंस थ्रू मीडिया, ठीक है, आइदर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया है। इसके बावजूद भी वी हैव एनजीओस, वी हैव वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, वी हैव एसोसिएशंस, वी हैव ग्रुप्स जो ये एनालिसिस करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए, पॉलिसीज ली, बनाई, वो कितनी ज्यादा, उसकी वैलिडिटी कितनी ज्यादा और उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो दैट कम्स अप इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक, जिसको हम फीडबैक लूप भी बोलते हैं। एंड आफ्टर द फीडबैक इट गोज अगेन इन टू द डिमांड एंड सपोर्ट, एंड जो ये डिमांड एंड सपोर्ट है फिर अगेन ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, समझ आया चीज का, ठीक है। सो दिस इज हाउ अकॉर्डिंग टू डेविड डिस्टन द होल सिस्टम वर्क्स, ओके, यहां तक आया समझ। अब इसके बाद ना जो हम ये बात कर रहे हैं ना कि वी हैव डिमांड, वी हैव सपोर्ट, वी हैव डिसीजंस, वी हैव पॉलिसीज, ये जो फोर वर्ड्स है ना, डिमांड एंड सपोर्ट, अब इसके बाद ना डेविड डिस्टन ये एक्सप्लेन करता है कि ये डिमांड कैसी है, ये सपोर्ट कैसी रहेगी, ठीक है। तो यहां पर आगे क्या एक्सप्लेन करता है, यहां पे ये बोलते हैं कि जो डिमांड है इसके आगे ना इसके जो फोर मेन पॉइंट्स है, ठीक। पहला है इसमें रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, मैं आपको पता आप लिख सकते हो रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। देखो रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर का मतलब क्या है कि सिस्टम में जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, हाउ विल दे इंटरैक्ट, और जो सिस्टम के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो किस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे, ओके। इसके अलावा वी हैव द एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कि जो सिस्टम है उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो किस तरीके से एलोकेट किए जाएंगे, फाइन। नेक्स्ट इज द पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम, एंड पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल अफेयर्स है, ठीक है, उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जाएगा, ठीक है। सो अब समझ आ रहा ना कि किस, जैसे आपका वोटिंग है, ठीक है, या आप प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, या आप कोई पब्लिक ऑफिस जो है उसको गेन करते हैं, सो दैट इज ऑल द पार्टिसिपेशन। एंड फाइनली द कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि क्या जो राइट कम्युनिकेशन है या राइट इंफॉर्मेशन है, दैट इज बेसिकली सपोर्टिंग द सपोर्ट आल्सो, ठीक। सो दिस इज विद द डिमांड, विद द डिमांड वी हैव सपोर्ट आल्सो। अब सपोर्ट में भी वी हैव मटेरियल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मटेरियल सपोर्ट का मतलब ये है कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक। जैसे आप चाहे कोई भी चीज खरीद रहे हो, चाहे वो एक रुपए की है, दस रुपए की है, पांच रुपए की है, उसके नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक। तो दैट इज द सपोर्ट, ठीक, मटेरियल सपोर्ट। एंड देन इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट का, दैट इज ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब क्या हुआ कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी लॉ है एक्चुअली में, उसको ओबे करना, okay, so that is also a support to the system. And then we have participatory and respect, मतलब कि respect towards the national symbols, ठीक है। तो ये सारे की सारी ये चीजें किसमें आती है, demand as well as support में, ठीक। तो after that demand and support it goes to the political system and comes out in the form of decisions and policies, और ये सारा सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। यहां तक हो गया, आई होप कि हमने जो ये बात की है सिस्टम अप्रोच में ये आपको समझ आया है। अब इसके बाद ना फाइनली इस अप्रोच में जो सिस्टम अप्रोच है जिसके हम ये बात कर रहे हैं, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो, ठीक। अब हम इसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। इसकी ना एक तो लिमिटेशन इसकी ये है कि it is basically a borrowed model, okay, it is basically taken from the physical sciences, okay. इसके अलावा इसमें एक problem वो क्या है, is it does not elaborate on the conversion process. देखो यहाँ पे हम ये conversion की बात करते हैं ना, तो इसके ऊपर ना clarity नहीं है कि conversion किस तरीके से होगी, fine. इसके अलावा भी जो decisions
एंड पॉलिसीज हैं। यहाँ पे एक और क्या प्रॉब्लम आती है कि ये ना बेसिकली सिस्टम की ही बात करता है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल की बात या ये बोल सकते हो कि एक आप ये बोल सकते हो कि ना ये ना सिर्फ प्रेजेंट की ही बात करता है कि प्रेजेंट सिस्टम कैसा है और उससे पॉलिटिकल सिस्टम समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें कोई भी फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव नहीं है। ठीक है कि ये कोई ये एक्सप्लेन करने में ये क्लियर नहीं है कि फ्यूचर में कैसे वर्क करेगा। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें और एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, वो क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सही तरीके से अभी डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, स्पेशली अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, आवर कंट्रीज आल्सो डेवलपिंग कंट्री। तो यहां पे ये सिस्टम अप्रोच है, जब ये पॉलिटिकल सिस्टम की बात करता है, जब इंटरेक्शन ऑफ पार्ट्स की बात करता है, तो वहां पे ये इट इज नॉट वेरी मच क्लियर कि हाउ इट विल वर्क इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, सो दिस वर द लिमिटेशंस ऑफ दिस अप्रोच, बट ननदरलेस अगर हम इसको देखें कि अगर हम इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस भी देखें, जैसे आपको समझाया, तो इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड हाउ द पॉलिटिक्स एक्चुअली हैपेंस एंड हाउ द रिसोर्सेज और द वैल्यूज आर बीइंग एलोकेटेड। ओके, थैंक यू।